सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सहायक परियोजना क्षेत्रपाल पद हेतु जो अभी पद आया है उसके सिलेबस के बारे में। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी के समय में लगातार एक के बाद एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा, तो इसको सिलेबस को देख लेते हैं हम लोग कि इसका सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। देखिए, चयन दो चरणों में होने वाली है। पहला तो आपका व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा होगा, फिर द्वितीय चरण में वन विकास निगम द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण। ये आपके सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के पद हेतु है। प्रश्नों की संख्या 150 होगा, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक होंगे, कुल अंक है 300 अंक का, समय रहेगा 3 घंटे का। देखिए सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, देखिए ये 30 प्रश्न हो गए 60 अंक के, छत्तीसगढ़ कंप्लीट आएगा तो ये 30 प्रश्न रहेंगे। भाषा की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी 30 प्रश्न 60 अंक के। बुद्धिमत्ता परीक्षण विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता की बात करें 30 प्रश्न 60 अंक के। फिर कृषि, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक एवं जीव विज्ञान, ये 60 प्रश्न 120 अंक के, तो टोटल हो जाते हैं 150 प्रश्न 300 अंक के। इस सिलेबस को हम लोग नीचे डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में। फिर देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, ये पूरी तरह से कंप्लीट आपका आना है। इसमें 30 प्रश्न हैं 60 अंक के, ऊपर हमने देखा था। इसके अलावा देखिए नीचे साइड आपका हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी तीनों भाषा का क्वेश्चन आना है। सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक रहेगा आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि भाषा बोध, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समुच्चरित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि विच्छेद, सामासिक पदरचना एवं समास विग्रह, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लुखत्या, अर्थ एवं प्रयोग उसके, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, ये सभी टॉपिक यहाँ पर शामिल है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्या है इंग्लिश में, रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग्स द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, वोकैबुलरी एंड यूजेस, इडियम्स एंड फ्रेसेस, टेंस, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, ये सारे टॉपिक आपके इंग्लिश में कवर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी के व्याकरण, हिंदी ले छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी ले हिंदी प्रशासनिक शब्दकोश, ये सभी शामिल है आपके छत्तीसगढ़ी भाषा में। फिर रीजनिंग की बात करें जो आपकी बुद्धिमत्ता परीक्षण विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता की बात हो रही है, तो इसमें संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या का निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणित कौशल जो कि आपके 10th लेवल तक रहेगा 10वीं कक्षा तक के, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि जो कि आपके 10th लेवल तक रहेगा। तो ये जो सिलेबस है आपका देख रहे हैं आप, जो रीजनिंग का सिलेबस है, ये CGPSC के एग्जाम में जो सिलेबस होता है रीजनिंग का कुछ उस प्रकार का है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसके अलावा जो कृषि का सिलेबस है यहाँ पे देखिए, कृषि, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, गणित एवं भौतिक विज्ञान का, तो ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा लंबा सिलेबस है, तो इसको पूरा बताना पॉसिबल नहीं है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, साथ ही इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, जो हमारा स्टडी स्टार्स का टेलीग्राम चैनल है उसमें, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये सभी थे आपके कृषि विज्ञान के, फिर जीव विज्ञान वनस्पति की भी देख सकते हैं आप।
ये काफी ज्यादा लंबा सिलेबस है। रसायन विज्ञान की सिलेबस है यहाँ पे, फिर वानिकी की भी सिलेबस है, भूगर्भ विज्ञान की भी ये सिलेबस देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपको लास्ट में गणित का सिलेबस दिखा देता हूँ। ये गणित का सिलेबस है, इसको भी आप देख लीजिए, सामान्य गणित है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वही है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट में है आपका भौतिक विज्ञान, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी लंबा सिलेबस है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सिलेबस है। अगर आप ACF या फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम को जरूर दें, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि उस एग्जाम का सिलेबस और इस एग्जाम का सिलेबस काफी हद तक मिलता जुलता है। तो ये हो गया आपका सहायक परियोजना क्षेत्रपाल पद हेतु जो सिलेबस है उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन करें।